प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है जी। तो अगर आप एनडीए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनडीए बेस्ट है, अगर आप सीडीएस प्रिपेयर कर रहे हो तो सीडीएस बेस्ट है। सो इट इज़ इन योर हेड, सोच आपने यही रखनी है कि जो आप जहाँ जाना चाह रहे हो वही सबसे बेस्ट है, तभी निकलेगा पेपर, ठीक है ना। अगर आपने सोच लिया कि यार वो इजी है या ये इजी है, फिर नहीं होगी बातचीत। इजी वही है जो आपने अपना लिया, बस। डिफिकल्ट भी वही है, इजी भी वही है। वही सोचना कि यार मैंने करना ही यही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे वो बोलता है ना, एस्पिरेंट्स देखे हैं ना अकेडमी की, उसके अंदर बोलता है सेकेंड ऑप्शन प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। बहुत बेहतरीन बात बोली है संदीप भैया ने, ठीक है ना। क्या बोली है? दैट इज प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। कोई प्लान बी नहीं होता जब तक आप 100% अपने गोल के अंदर नहीं झोंक देते। होगा नहीं होगा दैट इज नॉट योर इश्यू, कि अंदर से दिल से ये बात आनी चाहिए यार कि तूने मेहनत करी है, तूने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। कि जब तेरे अंदर से ये, नहीं तो ये गिल्ट रह जाएगी यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो शायद हो सकता था पेपर क्लियर हो जाता। तेरी 100% सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है। कि 100% दे सकता हूँ तो मैंने साला 200 दिया है, इससे बेस्ट और नहीं दे सकता था। हर बार जब तू ये सोचे पेपर देने से पहले, अभी इस दौरान ये सोचे कि यार इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो तू कर सकता है। अभी पेपर के टाइम पे नहीं कर सकता जब तेरे हाथ में शीट आ गई, वो लास्ट है तेरा। लेकिन अभी तो जोर मार सकता है, अभी तो सोच रहा है यार मैं 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो तू पढ़ सकता है, 2 से 4 भी पढ़ सकता है, 4 से 6 घंटे भी पढ़ सकता है, 6 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता है। वो तेरे हाथ में, कि अपनी पोटेंशियल चेक करना है, बिकॉज अभी तो एक्सप्लोर कर रहा है अपनी पोटेंशियल को। तूने बैठना सीखा ही नहीं अभी पढ़ने के लिए। UPSC है बेटा ये, मैं हर बार बोलता हूँ, ये CBSE नहीं है, ये UPSC है। धुएं निकाल देती है अच्छे अच्छों के, ठीक है।